तीन दिनों तक चलने वाले बकरीद के त्यौहार को देखते हुए सोमवार को नगर निगम परिसर स्थित सदन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सुपरवाइजरों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर मस्जिदों एवं कुर्बानी स्थलों की अच्छी तरह से सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि बकरा बिक्री स्थलों की भी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, चूना व मैथलान के घोल का छिड़काव कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया एवं कुर्बानी के अवशेषों को दफनाने की संपूर्ण तैयारी व आवागमन के लिए वाहनों पर ड्राइवरों की तैनाती किए जाने हेतु आदेश दिया गया। कुर्बानी के अवशेषों के निस्तारण के लिए प्रचुर मात्रा में वाहनों की व्यवस्था कर लिया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि संभावित मलबे की मात्रा अनुसार गड्ढे खुदवा दिए जाएं और जो भी आवश्यक सामग्री गड्ढे में डालना है उसकी व्यवस्था भी समय से कर लिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, चंद्र दर्शन के अनुसार 21, 22 और 23 जुलाई को बकरीद का जो पर्व है महानगर गोरखपुर में संपन्न होना है और उसी को लेकर आज यह बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में हमारे नगर निगम के समस्त वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर साहबान, सुपरवाइजर साहबान और सभी लोगों को ग्रासरूट लेवल तक के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको बुलवाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार से हमारी जो ये बकरीद का त्यौहार है पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी सकुशलता के साथ जो निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो इन लोगों को बताया गया कि महानगर में कुल मिलाकर 144 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कि मस्जिदें हैं या फिर वहाँ पर ईदगाह हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जानी है, और इसी प्रकार से उन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पर कि कुर्बानी होनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो अभी से पूरे मस्जिदों और ईदगाहों की सफाई, विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, वहाँ पर जो है सैनिटाइज उनको कर दिया जाए। जब उनको वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो लोग नमाज अदा करेंगे, उसके लिए भी ध्यान में रखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक जो सैनिटाइजेशन है विस्तृत रूप से उसे कर दिया जाए। साथ ही साथ जो कल शाम को ही फॉगिंग की उचित व्यवस्था की जाए, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए और सारे जगहों पर जो हमारे ये चूना और मेलाथियन का घोल होता है उसको भी छिड़क दिया जाए। कहने का आशय ये था कि पूरे ऐसी जगहों पर एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही साथ हमने उन सभी गाड़ियों की व्यवस्था कर ली है। पिछली बार की तुलना में हम लोगों ने बड़ी हुई गाड़ियाँ लगाई हैं और ये भी कहा गया है कि गाड़ियों के नीचे वाली जो उनका फ्लोर है उसमें भी तिरपाल लगा दिया जाए और उसके बाद जो कुर्बानी के बचे हुए अवशेष जब उनको डाल दिया जाए तो उसको ले जाते समय उनको भी ऊपर से पूरी तरह से तिरपाल से ढक के, अर्थात पूरी तरह से पैक करके इनको उस जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर इनको नमक और चूने के घोल के साथ ज़मीन के अंदर दबा दिया जाएगा। ऊपर से पूरा चूने और जो नमक के घोल के साथ साथ मिट्टी का पूरा कायदे से इनको दबा कर सुरक्षित कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी चील, कौवे या कुत्ते आदि इनको खोद कर जो है निकाल के इधर उधर अन्य स्थानों पर न ले जाएं और उसकी वजह से कोई अन्य समस्या खड़ी हो। इसके साथ साथ हमारे जलकल की जो पूरी टीम थी, GM साहब, अधिशासी बेंदर, सभी लोग मौजूद थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो एक दिन पहले से ही हैवी प्रेशर के साथ पानी की सप्लाई करें और 24 आवर्स हमारा जो पानी आता रहे, और साथ ही जो हमारे ट्यूबवेल हैं, पंपिंग सेट हैं, उनकी भी चेकिंग कर लें, जाके अभी से देख लें उसको कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई फॉल्ट या कोई अन्य समस्या तो नहीं है। तो कहने का आशय है कि पूरी एक जो आप कह सकते हो कि
बकरीद के त्यौहार को सकुशलतापूर्वक मनाने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई थी। बड़ी संख्या में इसमें हमने हर पॉइंट्स पर अपने कर्मचारी लगाए हैं, सुपरवाइजर लगाए हैं, मेट लगाए हैं, साथ ही साथ जो हमने जिले स्तरीय अधिकारी को भी उनका निरीक्षण करने के लिए उनके ऊपर तैनात किया है। तो उम्मीद ये है कि पूरी अच्छी तरीके से ये बकरीद का त्यौहार जो है ये सम्पन्न होगा।